नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल वन के साथ। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन यानी कि ट्रेड यूनियंस की तरफ से यहां पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है क्या इनका मकसद है और क्या सर बताएं क्या कुछ डिमांड्स लेकर आए। आज हमारी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। इसी उसी आधार पे हमने भी जम्मू कश्मीर में यहाँ किया, जम्मू में यहाँ कर रहे हैं और कश्मीर में भी कर रहे हैं। क्या हमारी ये डिमांड है कि जितना भी टेम्परेरी वर्कर है उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और उनको रेगुलर किया जाए। हम ये चाहते हैं कि SRO 64 की अमेंडमेंट करके जितने लोगों के भी 7 साल कम्प्लीट हुए हैं उन सबको रेगुलर किया जाए, क्योंकि पहले भी SRO 64 के तहत ही रेगुलर हुए थे। अभी हमारे गवर्नर इंतजामिया में PDD के लिए कहा था कि इनके 12,000 लोगों को हम रेगुलर करेंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक जुमला ही साबित हो रहा है अभी तक। हमारे कुछ लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो 2008 से लगे हैं, 2008 से पहले के भी लगे हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि उनको वेजेज ही नहीं मिल रही है, वो बिना वेजेस के ये काम कर रहे हैं। इतना रिस्की डिपार्टमेंट है ये PDD का, इतना रिस्की डिपार्टमेंट है उसमें वो बिना वेजेस के काम कर रहे हैं। पोलों पे चढ़ते हैं, कहीं वहाँ पे ही इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से वो जान गंवा बैठे हैं और कईयों के हैंडीकैप हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बाजू कट गए हैं, टांगे कट गई हैं, वो फिर भी बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और तमाम वर्करों को रेगुलर किया जाए। तो आज हमारे माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? और मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी बहुत सारी पहले डिमांड थी, तो मिनिमम वेजेस क्योंकि UT के अंदर जो है वो लागू होता है। हाँ, हमारी वही डिमांड थी कि जब तक इनकी रेगुलराइजेशन होती मिनिमम वेजेस जो हमारा यूटी में लागू है 21,000 रुपया पर मंथ इनको दी जाए जब तक इनकी रेगुलराइजेशन होती, और तमाम रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना के तमाम लोगों को रेगुलर किया जाए, DPC प्रॉपर की जाए। अभी आप देख रहे हैं रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, इनका ये डिसंगेज का आर्डर निकाल रहे हैं। इतनी देर से वो काम कर रहे हैं, वो आप कहाँ जाएंगे? उस आर्डर को रिवोक किया जाए और इनको तमाम रेगुलर किया जाए, उन लोगों को सभी को। सड़कों पर है, उनके लिए क्या समर्थन है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हमारा पूरा समर्थन है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से हम उनको फुली सॉलिडेटरी सपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रेड यूनियन की तरफ से जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और साथ में इनके जो है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी जो है ये डिमांड्स हैं। पूरे नेशनल लेवल पर इन्होंने कहा कि हमारी जो है ये कॉल ट्रेड यूनियन की तरफ से चल रही है और आज जो है अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए जो है प्रेस क्लब के जो है बाहर एकत्रित हुए थे और अपने प्रोटेस्ट को जो है रजिस्टर्ड किया। सुरेंद्र परिहार को फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।